सरों का। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में। बीजेपी के 26 बागी कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित। प्रयागराज में पार्षद चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला तो निर्दल लड़ रहे थे चुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षियों पर तंज, बोले इनके लिए निकाय चुनाव खोदा पहाड़, निकली चुहिया है। बीजेपी नेताओं का राजनीतिक कद तय करेगा चुनाव। आगामी लोकसभा के लिए तैयार हो रही नींव, बायर्स की अनदेखी कहीं पड़ ना जाए भारी। ओवैसी बोले अतीक अशरफ को मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद, कहा सीएम योगी बताए कातिलों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म। यूपी के गाजीपुर से बसपा सांसद था, 4 साल की सजा मिलने से 56 घंटे बाद सांसदी गई। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कुर्की की तैयारी। वाराणसी समेत कई जिलों में करोड़ों की संपत्तियों की तलाश में जुटी टीमें। शेरपुरिया ने 19 खातों में भेजे 6 करोड़। 5 कंपनियों में संजय खुद डायरेक्टर, 4 में उसकी पत्नी, आज मिल सकती है रिमांड। सपा का फार्मूला, जो बीजेपी को हराए उसी को टिकट समर्थन, इसीलिए बरेली वृंदावन में निर्दलीय को समर्थन, एन वक्त पर कई टिकट भी बदले। यूपी में ड्यूटी से गैर हाजिर 2 डॉक्टर बर्खास्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर हुई कार्रवाई, सोमवार को जारी हुआ आदेश। आकाश से पाताल तक सबादाणी को दे रहे मोदी, मुरादाबाद में बोले संजय सिंह, ये शहरों की सफाई का काम है, झाड़ू वालों को दे दीजिए। वाराणसी के साड़ी कारखाना में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दशवमेघ के मदनपुरा में एक मकान में साड़ी पर रंग रोगन और कारीगरी का काम। प्रतापगढ़ में कार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी समेत 4 की मौत, 4 महीने की बच्ची समेत 3 लोग घायल। करौली आश्रम में संदिग्ध हालत में प्रॉपर्टी डीलर की मौत, बेड पर औंधे मुंह पड़े थे, परिजन बोले शाम को बात हुई थी तब तक ठीक थे। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 4 की मौत, 4 घायल, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, कार और ई रिक्शा में हुई टक्कर। कौशाम्बी में मोबाइल गुम होने पर युवक ने खाया जहर, गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर, शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। सुल्तानपुर डीएम हुई सख्त, नगर निकाय चुनाव में नाबालिग से बटवाया पर्चे, लगवाया पोस्टर तो होगी कार्रवाई। देवरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, फंदे पर लटका मिला शव, परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। हरदोई जनपद ओडीएफ घोषित, हजारों लोग लाभ से वंचित, आधे अधूरे बिना छत के दे दिए गए शौचालय, कहीं शीट नहीं लगी तो कहीं कंडे भरे थे। मेरठ में कंचन शरण और सुधीर महादेव प्रेक्षक तैनात, 13 मई तक हर गतिविधि पर रखेंगे नजर, पहले चरण में आज शाम तक थमेगा निकाय चुनाव का प्रचार। की शौकीन महापौर प्रत्याशी, कहा कब्जे में बंद 125 मंदिरों का कराऊंगी जीर्णोद्धार, अतीक का गुरूर टूट गया, सपा विधायक इरफान खान क्या है।
बनारस में रातभर रैलियों का दौर, सुबह तक प्रचार, चुनाव प्रचार में बाइक रैली, पदयात्राएं, शाम 6 बजे तक सपा भाजपा और कांग्रेस का रोड शो। मेरठ में बीएसपी प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, नोटों के खिलाफ बंडल लेने का वीडियो वायरल, विपक्षी वोट खरीदने का लगा रहे आरोप। मेरठ में 7 बीएसपी नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा, पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी शामिल। प्रतापगढ़ में मौसेरे भाई ने युवक को मारी गोली, सत्य प्रकाश ने 10,000 उधार देने से किया था इनकार, अहमदाबाद से बड़े भाई के बेटे की शादी में आया था। हरदोई में दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत, एक की मौत, दो बाइक सवार घायल, जिला अस्पताल किया गया रेफर। भाजपा नेता के घर में 35 लाख की चोरी, झांसी में सीएम के आने से पहले पॉश कॉलोनी में बड़ी वारदात, कार से आए थे चोर। रेलवे के अवैध टिकट बनाकर बेचने वाला गिरफ्तार, कानपुर में जीएमसी और सीआईबी की टीम ने पकड़ा, 23,000 के 20 टिकट बरामद। दातागंज में डॉक्टरों की लापरवाही से गई मासूम की जान, जिला प्रशासन में जिला अस्पताल में था भर्ती, पीड़ित पिता बोले डॉक्टर देखने आए जाते तो बच्ची बच सकती थी। जेवर में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर ने लगाई फांसी, पीड़ित भाई ने दूसरी पत्नी और उसके दामाद पर आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप। उन्नाव में दहेज उत्पीड़न में 4 पर एफआईआर, 50,000 रुपए मांगे, मना करने पर विवाहिता को पीटा और घर से निकाल दिया। हमीरपुर में दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई, सागर तालाब राट से युवक को उठाकर ले गए दबंग, युवक ने एटीएम छीनकर रुपए निकालने का लगाया आरोप। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, हादसे में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, बिना नंबर की बाइक से आ रहे थे बाइक सवार दोनों युवक। औरैया में पुलिस ने असलाह फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, मौके पर से 2 सगे भाइयों को किया गया गिरफ्तार, आरोपी पहले भी असलाह फैक्ट्री चलाने में जा चुके हैं जेल। बागियों के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, बीजेपी में बागियों के निशासकशन का सिलसिला जारी, 35 बीजेपी नेताओं का दिखाया गया बाहर का रास्ता, बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ ही कर रहे हैं निर्दलीय दावेदारी। लखनऊ में बीते दिनों हुई चोरी का वीडियो आया सामने, लखनऊ हॉस्पिटल के पास से चोर ले उड़े इनोवा क्रिस्टा, कृष्णा नगर कोतवाली के चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की हत्या का मामला, गैंगस्टर टिल्लू ताजापुरिया की हत्या का मामला आया सामने, प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों ने किया था जेल में हमला। लखनऊ में एलडीए की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में करोड़ों का आवंटन घोटाला, एलडीए के अफसरों ने प्रभावशाली लोगों को किया आवंटन, एक भूखंड से अधिक एक नाम पर नहीं हो सकता आवंटन। लखनऊ में परमिट नवीनीकरण में 72 लाख का हुआ घोटाला, आरटीओ में बाबुओं के दबाव में 8 महीने तक दबा रहा घोटाला, घोटाले के बाद जांच रिपोर्ट आई सामने। यूपी में भारी बारिश, ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट, बीते 24 घंटे में यूपी में हुई 4.7 मिलीमीटर बारिश, 4 मई तक प्रदेश में बने रहेंगे बारिश के हालात। लखनऊ समेत 7 नगर आयुक्तों को जारी हुआ नोटिस, स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही को देखते हुए जारी हुआ नोटिस, प्रमुख सचिव अमृत अभिताज ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन आज शाम तक थम जाएगा, निकाय चुनाव के प्रचार का शोर, इसके बाद प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार।
पुलिस ने महाठग शेरपुरिया की रिमांड अर्जी की दाखिल। 5 कंपनियों में संजय शेरपुरिया और 4 में उसकी पत्नी है डायरेक्टर। 19 खातों में मिला शेरपुरिया के 600 करोड़ के लेन देन का साक्ष्य। लखनऊ में आयुष अस्पतालों की जियो टैगिंग में हुआ खेल। चिकित्सा अधिकारियों ने भेज दी गलत लोकेशन। चिकित्सा अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के बाद होगी कार्रवाई। प्रयागराज में अतीक और अशरफ के मर्डर केस का मामला। तीनों शूटरों के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी पुलिस। पीडीए की टीम होटल में जांच करने पहुंची। औरैया में बसपा से निष्कासित किए गए 5 पदाधिकारी। नाराज कार्यकर्ताओं ने छोड़ा बसपा का दामन। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। औरैया में वोट मांगते समय गाने पर थिरके बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता का वीडियो हुआ वायरल। फिरोजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ने वोटर्स को बांटे पैसे। पैसे बांटने का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। प्रयागराज में बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संबल पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने आप कार्यकर्ताओं में भरा जोश। संभल में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। सपा की अंदरूनी कलह आई सामने। टिकट बंटवारे को लेकर दिखी तनातनी। औरैया में अज्ञात कारणों से बैटरियों में लगी भीषण आग। सीएचसी में सोलर पैनल के रूप में रखी बैटरियों में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। हमीरपुर में दबंगों ने की युवक की जमकर मारपीट। सागर तालाब राट से युवक को उठाकर ले गए दबंग। युवक ने एटीएम छीनकर रुपए निकालने का लगाया आरोप। झांसी में सड़क हादसे में 2 भाइयों की हुई मौत। ससुराल में कार्ड देकर लौट रहे थे। आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 5 की मौत। सहारनपुर में छत गिरने से पति पत्नी और 3 बच्चे दबे। यूपी में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। 24 घंटे में 329 नए मरीज मिले। लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा केस। फतेहपुर में 2 बाइकों की टक्कर। दोनों बाइक सवार युवकों की मौत। 1 घायल कानपुर रेफर। खीरी में लूट और चोरी गिरोह का पर्दाफाश। 25 एंड्रॉइड फोन के साथ 8 अभियुक्त पकड़े गए। शौक पूरा करने के लिए करते थे चोरी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चलती कैंटर में लगी भीषण आग। चालक ने कूद कर बचाई जान। एक कंपनी का सामान लेकर हरियाणा से मेरठ जा रहा था युवक। सिद्धार्थनगर में एएसपी ने ली परेड की सलामी। पुलिसकर्मियों को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के संचालन का दिया प्रशिक्षण। अमरोहा में ऑटो पलटने से चालक की मौत। 4 लोग घायल। ड्राइवर की नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। रायबरेली में सैनिक हॉस्पिटल के डॉक्टर की मौत। हार्ट अटैक आने से हुई मौत। केरल का रहने वाला था डॉक्टर।
रायबरेली में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों को ही मौके पर हुई मौत, शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस, सिविल लाइन के पास हुआ हादसा। कानपुर जू में घायल मादा तेंदुए की मौत, 8 माह के तेंदुए में सेप्टीमिया इन्फेक्शन बढ़ा, डॉक्टर बचा नहीं सके, बिजनौर से रेस्क्यू कर लाया गया था। गायों की मौत पर दोषियों पर कार्रवाई, अमेठी में नहर में युवक का मिला शव, युवक को पड़ते थे मिर्गी के दौरे, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में गायों की मौत पर दोषियों पर कार्रवाई, जांच में कई खामियां मिली, गोपालक और ग्राम सचिव हटाए गए। बरेली में पिछले 36 घंटे में 10 mm बारिश हुई, अगले 48 घंटे के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंचा। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाएं, तेज आंधी से 3 लोग हुए घायल। रायबरेली में किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, परिजन गए थे बाहर, घर पर अकेली थी। एक्सप्रेसवे पर गेट खोलकर किया स्टंट, 37,000 का चालान, दूसरे कार युवक ने लहराई पिस्टल। अयोध्या में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, तापमान में भारी गिरावट। बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 1 युवक घायल, रास्ते में गाड़ी खड़ा करने को लेकर हुआ था विवाद। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, पीलीभीत हाईवे पर हुआ हादसा, बुजुर्ग की मौत, टक्कर मारने के बाद वाहन चालक हुआ फरार। हमीरपुर में विरमा नदी पर बना अस्थायी पुल किया गया ध्वस्त, अवैध खनन के विरोध में 200 लोग फावड़ा लेकर जुटे, पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई। सहारनपुर में बारिश से 2 मकानों की छत गिरी, 2 जगह हुए हादसे में, बच्चों सहित 8 लोग घायल, गंगोह और बड़गांव में गिरी मकान की कच्ची छत। पच्चीस जिलों की 25 खबर, बड़ी खबर में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।